Hi everyone, we are parents of SARTHAK SINGLA. He just cleared JEE Advanced with a good rank. From 6th, he joined Little Genie program. वहाँ से वो उसको न्यूज़पेपर से हमें ऐड से पता चला था कि भाई फिटजी में ये लिटिल जीनी प्रोग्राम होता है, तो ही वॉज वेरी इलेटेड. तो उसने कहा नहीं मम्मी मैंने ज्वाइन करना है. इनिशियली हम काफ़ी हेजिटेंट थे कि इतनी छोटी क्लास में ज्वाइन कर लेगा और 12th तक तो फिर आगे करना ही है, 9th ऑनवर्ड्स. तो हम बहुत हेजिटेंट थे, लेकिन ही पुश्ड अस कि नहीं आई रियली वॉन्ट टू ज्वाइन, मे बी फॉर अ ईयर और टू, उसके बाद डिसकंटिन्यू कर देंगे. लेकिन उसने ज्वाइन किया एंड ही नेवर गेव अ ब्रेक. और फिर उसका जब स्टार्ट विद द फिटजी जर्नी, जब उसका फर्स्ट उसने एग्जाम दिया JSTSC, इसको थर्ड रैंक इन JSTSC, तो हम बहुत खुश हुए कि भाई फिर बच्चे में भी खूब कॉन्फिडेंस आया. JSTSC और NTSC के लिए यहाँ पे सिर्फ मैथ्स और साइंस पे नहीं स्ट्रेस किया, दे कवर्ड ऑल द टॉपिक्स. और जैसे GK जैसी चीज़ को भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से करा, नहीं तो GK वाज वी वर क्लूलेस, द चाइल्ड वाज क्लूलेस कि GK किस तरह करेंगे, एंडलेस है वो. तो उन्होंने चाहे पास्ट पेपर्स देख के या जैसे भी करके शीट्स दी, जो भी किया बहुत अच्छे से किया. मतलब देर वॉज नो फोबिया एज सच, बट जुनून ज़रूर इसके सर पर रहा करना है. JSTSC रैंक 3 करके तो और भी ज़्यादा हो गया. और फिर आया NTSC, ही टॉप द स्टेट. NTSC जो स्टेज 1 था उसके अंदर टॉप किया. हमें मतलब बहुत दिन तक हमें यूफोरिया में ही रहे हम कि अच्छा रैंक 1 आ गया. फिर जब स्टेज 2 हुआ तो ही वॉज ऑलरेडी इन क्लास 11, तो उसके अंदर बायो छोड़ चुका था, लेकिन इसके अंदर वो था कि मैंने ये स्टेज 2 भी क्लियर करना है. तो ये बायो इसने स्पेशली NTSC के लिए पढ़ी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हिज स्कोर्स इन क्लास 11 स्कूल का, और ही क्लियर्ड इट. बहुत अच्छा हुआ था इसका एग्जाम. ने बहुत हेल्प करी यहाँ के टीचर्स, इतने सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स उसको इतना ऐसा बना दिया कि भाई कोई क्वेश्चन में कोई अटकता ही नहीं, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो सब. सार्थक के साथ एक इशू शुरू में से ये रहता था, टाइम की प्रॉब्लम थी. ही वॉज वेरी स्लो, इवन इफ यू सी हिम वॉकिंग ही वॉज सो स्लो. लेकिन यहाँ पे आके कम से कम इसके हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे. ही न्यू ये क्वेश्चन मैंने 3 मिनट में करना है, 3 मिनट से कम में ही करूँगा ताकि मैं रिवाइज कर सकूँ. तो ये जो स्पीड उसको आई, बहुत आई मीन आई गिव 100% मार्क्स टू फिटजी जो उन्होंने इसका तेज. अब तो ये नॉर्मल भी लिखता तो इतनी जल्दी जल्दी लिखता है. ये सिर्फ JEE एडवांस नहीं, JEE एडवांस तो उसने क्लियर किया ही, बाकी अपार्ट फ्रॉम JEE एडवांस KVPY ओलंपियाड सब में इसने क्लियर करता ही चला गया. तो इसलिए हमें जब ये ओलंपियाड KVPY इससे भी ज़्यादा, तो हमें फिर फोकस तो IIT पे था कि भाई IIT ही करना है. तो IIT में 11th 12th में पूरा टेस्ट सीरीज करते थे, जो फिटजी वाले टेस्ट सीरीज देते थे वो बिल्कुल पूरा टाइम लिमिट में करना, पेपर टफेस्ट लेवल भी ये क्रिएट करते थे. तो मार्क्स कम आते थे तो फिर ये थोड़ा सा डिप्रेस भी होता था कि सर मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं. तो ये मिलता था टीचर्स के जाके, वो कहते थे कि नॉट गिव अप, ये तो टेस्ट सीरीज है तुम्हारे को चेक करने के लिए, तुम्हारा और भी ग्रूमिंग करने के लिए. तो फिर और मेहनत करते थे ताकि फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में ये बिल्कुल अच्छे रैंक लाते थे. तो ऐसे इसकी जर्नी रही फिटजी में और ये आगे सक्सेस में टर्न अप हुई. मेरे पेरेंट्स को यही एडवाइस है कि बहुत ज्यादा वेट नहीं करें कि 10th में ज्वाइन कराएंगे, 11th में ज्वाइन कराएंगे, बिकॉज अर्लियर द बेटर. बीच में जाके बहुत लेट ज्वाइन करके कभी कभी ये बच्चा सीम्स लॉस्ट कि इनको तो इतना आता है जो पहले से, उनको तो इतना आता है, मैं तो नहीं ज्वाइन, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता. तो थोड़े कंफर्टेबल होने में जो टाइम वेस्ट होता है वो वाला नहीं वेस्ट होगा अगर टाइमली पहले से ही ज्वाइन करा लेंगे. वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द फैकल्टी ऑफ फिटजी द्वारका, नॉट ओनली द टीचर्स, द अदर सपोर्ट स्टाफ एज वेल, बिकॉज ऑल वर वेरी एनकरेजिंग. हम जब भी फेलिसिटेशन होता था तो सबके सब इतना ज़्यादा, मतलब वी वर मेड टू फील सो स्पेशल कि कुछ तो कर ही दिया, बड़ी चीज़ कर दिया. तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती थी और वो सबके साथ सबके वो जो उनके फेस पे इतनी खुशी के एक्सप्रेशन होते थे, रिस्पेक्ट के होते थे, वो हमें फिटजी द्वारका से ही मिला. एंड वी आर रियली थैंकफुल टू देम. और जो सार्थक जो अब आगे जो करेगा वो उसकी अपनी डेस्टिनी है, लेकिन अब तक जो है आई ओ इट ऑल टू फिटजी द्वारका. बिल्कुल.